हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू किचन क्वीन श्वेता। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। लीजिए, मैं फिर से हाजिर हो गई एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने वाले हैं स्नेल करी। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और सी फूड आपको पसंद है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। समुद्र या फिर तालाब के पानी में मिलने वाले घोंघा न केवल प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होता है, बल्कि इसमें जिंक की मात्रा भी भरपूर होती है। मैंने हाफ के जी स्नेल मीट लिया है। इसमें एक चम्मच नमक को ऐड करेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे बॉईल कर लेंगे। बहुत लोग घोंघा को उसके कवर के साथ उबालते हैं, बट मैंने पहले इसके कवर को निकाल दिया ताकि ये जल्दी से बॉईल हो जाए। इसे ढक करके बॉईल करेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे 15 मिनट तक बॉईल करेंगे। इसमें अच्छे से बॉईल आ गई है। इसके ढक्कन को हटा लें। एक बार इसे चेक कर लें कि ये अच्छे से बॉईल हुआ है कि नहीं। ये अच्छे से बॉईल हो गया है। इसे ठंडे पानी में निकाल के डाल देंगे। ठंडे पानी में इसे अच्छे से धो लेंगे। कढ़ाई में तेल को गरम करेंगे। स्नेल मीट को फ्राई कर लेंगे। इसे लाइट फ्राई करेंगे। घोंघा का मीट अच्छे से फ्राई हो गया है। इसे निकाल लेंगे। गरम कढ़ाई में हम फिर से तेल को ऐड करेंगे। तेल गरम होने के बाद एक चम्मच जीरा को ऐड करेंगे। दो तीन चीरा लगाया हुआ हरी मिर्च को ऐड करेंगे। अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद ना हो तो मिर्च को तेल में ना डालें। प्याज को ऐड करेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। स्वाद अनुसार नमक। मैंने 3 प्याज को स्लाइस में कट किया था। कटोरे में मैंने 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। इसमें लाल मिर्च पाउडर को ऐड करेंगे, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर। सारे मसाले की क्वांटिटी मैंने 1-1 चम्मच रखी है। 1 चम्मच मीट मसाला और 1/2 चम्मच गरम मसाला को ऐड करेंगे। प्याज अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें मसाला को ऐड करेंगे। मसालों को प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। मसालों ने सारे तेल को अब्सॉर्ब कर लिया है, इसलिए जो मसाले कटोरी में बच गए हैं उसे भी हम पानी के साथ कढ़ाई में डाल देंगे। दो बारीक कटे हुए टमाटर को ऐड करेंगे। मसालों के साथ इसे भी पका लेंगे। मसाले से तेल अलग हो रहा है, इसका मतलब मसाला अच्छे से तैयार है। अब हम इसमें फ्राई स्नेल को ऐड करेंगे। स्नेल को मसालों के साथ 1 मिनट तक भूनेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि मसाले नीचे से लग रहे हैं। इसे 1 मिनट तक और ऐसे ही पकाएंगे। स्नेल में मसाले अच्छे से पेनिट्रेट हो गए। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी को ऐड करेंगे। हमें जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से हम पानी को ऐड करेंगे। घोंघा की कुछ बातें जिससे आप अनजान हैं, एक तो ये कि इसका मीट थोड़ा भोंदू टाइप का होता है, इसलिए इसमें मिर्च की क्वांटिटी ज्यादा रखनी होती है। और दूसरी बात ये कि इसका मीट थोड़ा सख्त होता है, इसलिए इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है। हमारी परफेक्ट स्नेल कड़ी बनकर के तैयार है। इसके ऊपर हम कुछ धनिया के पत्ते स्प्रिंकल कर देंगे। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। घोंघा को उत्तर भारत में अठा के नाम से जाना जाता है। घोंघा मछली मंडी में इजिली मिल जाता है। स्नेल करी इस बार इसमें जरूर ट्राई कीजिएगा। ये ऐसी रेसिपी है जो साल में एक बार ही अवेलेबल हो पाती है, और वो भी बरसात के टाइम में। तरह की स्नेल करी आप जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप कब बना रहे हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ दिल खोल के शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।